मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरे पदक के लिए बेहद बधाई आपको, लेकिन जैसा आप बता रही थी कलाई में चोट और आप डक वॉक करते हुए दिखी और उठाना कितना कितना डिफिकल्ट रहा और क्या इंजरी है, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे नमस्ते। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन बनने की बात है, सब खुशी होते हैं। और ये मेरा सेकेंड वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ तो बहुत खुशी हूँ मेडल से। पर इसके अंदर बहुत सारी मैंने फेस किया है कि अभी अभी कॉम्पिटिशन हुआ था, मेरा रीस इंजुरी है। जब मैंने यूएसए में ट्रेनिंग करी थी तो उसमें मेरा रीस इंजुरी और ज्यादा हो गया। तो फिर भी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी कि मैंने लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट नहीं किया था, मिस किया। तो और उसी के भी, और ये फर्स्ट क्वालिफाइंग थी ओलंपिक के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, एक मेडल नहीं तो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस एक देने के लिए। तो इस नेस में ज्यादा पेन है मेरा रीस में, कि जब रिसीव करते हैं तो मेरा और ज्यादा रीस में पेन होते हैं। इसमें तो स्नेस में ज्यादा है, तो मैं स्नेस में इतना नहीं कर पाया। ये लास्ट 87 है, इसमें मुझे कुछ भी करके मुझे होल्ड करना था, कि बहुत इम्पोर्टेंट थी वो स्नेस पास करना मेरे लिए, 87 पास करना। तो मैंने कुछ भी करके इन्हें होल्ड किया, डक वॉक करके। तो मुझे भी बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा आपने डबल ये। सेंचुरी भी लगा लिया। हाँ, आप डबल सेंचुरी भी लगाया। एक चाइनीज जो दोनों का चक्कर है, जो आपने ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया तो जियांग आपके पीछे पड़ गई, मतलब दोनों में से एक चाइनीज आपके पीछे पड़ी हुई है। चाइनीज चक्कर लगा रहेगा अभी से लेकर पैरिस तक। हाँ जी, पहले से ही ये दोनों हम तीनों ही करके आए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, दोनों में ही आते हैं। चाइना का तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, पर ये दोनों ज्यादा से ज्यादा मुझे किया है। तो इस बार भी हम तीनों ही थे, तो ओलंपियन को मैंने इस बार हराया, तो वो भी अच्छा लगा। और नेक्स्ट में भी मैं कोशिश करते रहूंगी। मेरा एक जो चीज है जो आप ही कह रही हैं, और काफी समय से, मतलब आप अकेली हैं जबकि चाइना में बहुत सारे प्लेयर एक साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये हमारा वेटलिफ्टिंग वही है या आगे बढ़ भी रहे हैं हम? क्योंकि आप अगला पेरिस खेलेंगे, लेकिन उसके बाद के प्लेयर के लिए भी, या आपके साथ कम से कम दो तीन हो जो आपको पुश कर सके, जी तो उससे जी टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ऊपर जा सकता है। हम कहाँ हैं, हाँ, आगे बढ़ रहे हैं या वही है? हम देख रहे हैं कि मेरा पीछे कौन मतलब अच्छा करेगी, तो मेरा जगह लेने वाली कौन होगी। हम देख रहे हैं हर कंपटीशन में, अभी यूथ आ रहा है जूनियर में, कौन सा अच्छा कर रहे हैं उसको हम कैंप में बुला के हम ट्रीट कर रहे हैं कि और अच्छा कर सकती है। तो कि हाँ, इंडिया का लिफ्टर्स थोड़ा सा अभी न, है, ज्यादा तो है, पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहे कि और कौन सा मतलब मेरा पीछे कौन रहेगी। वो सब चाइना का तो ऐसा नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ऐसा रो पूरा करके रखा हुआ है। ये फिक्र की बात तो है मेरा कि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं कई कोशिशों के बावजूद। आपने जैसे मान लीजिए पटाया में था, आपका चौथा नंबर था, हालांकि 201 वहां पे आपने उठाया था, जी तो बहुत सारे नए आपके बराबर या अच्छे प्लेयर का नहीं आना, ये फिक्र की बात है। हाँ, वो तो है, क्योंकि नेक्स्ट का टेंशन रहते हैं थोड़ा सा, कि मेरे जैसा मतलब इंडियन वेटलिफ्टिंग को मतलब ऊपर उठाने वाला ऐसा कोई तो होना चाहिए मेरे पीछे। तो कोई नहीं, हम देख लेंगे, करेगी, हम कोशिश पूरा कर रहे हैं कि बच्चे को अच्छा होने के लिए। मेरा एक चीज, 10 साल से आपका वेट जो है 49 किलो, 48.5 किलो या 49.5 किलो इसी बीच में रहता है, जो विराट कोहली का सुनते हैं 74 किलो से 75 किलो के बीच में रहता है। जितने समय से मैं जानता हूँ आप बहुत फूड को ये करती हैं। कोई चीट डे होता है अभी, बताओ अभी से जैसे पेरिस के बीच में कोई चीट डे होगा खाने के लिए? होते हैं, जरूरी है, चित दे होना जरूरी है, नहीं तो मन नहीं भरते। हाँ, होते हैं। मैं जब पटियाला में ट्रेनिंग करते हैं और कंपटीशन की टाइम है, जैसे अभी वर्ल्ड चैंपियन से हो गया है, जो ओलंपिक की बात है, मैं तो जब ट्रेनिंग करते हैं पटियाला में, तो सैटरडे संडे में तो बाहर घूम के आती हूँ, कुछ खा के आती हूँ, जो खाना चाहते हैं वो सब। तो चीट डे बहुत जरूरी है क्या पॉज होता है के चीट डे लिए और में, डाइट स्पेशली के क्या लिए। होता है?
सबको पता है मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। मैं सैटरडे को बहुत आपने सैटरडे शाम जाके हाँ पिज्जा खा के आती हूँ, और कभी कभी बर्गर होते हैं, आइसक्रीम वो सब खाती हूँ। जरूरी है प्लेयर्स के बिल्कुल। लिए थोड़ा सा। एक फाइनल सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ मेरा, आपका जी एशियाड में मेडल नहीं है और अगले साल एशियाड है, आपने नेशनल चैंपियनशिप में थोड़ी इंजरी के साथ किया था, क्या ये रिस्क लेंगी आपकी एशियन गेम्स में करें या पेरिस में सीधे पेरिस के लिए कोशिश करेंगे, 4 क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स भी हैं, कैसे हाँ जाएंगे आप? मैं पूरा फोकस कर रही हूँ एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में मैं अभी तक लास्ट 18 में भी मेरे इंजुरी के कारण मैं मिस किया, एशियन गेम्स नहीं कर पाई, नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो इस बार मैं पूरा फोकस कर रही हूँ एशियन गेम्स मुझे करना है। अभी रहेगी ट्रेनिंग, इसी के लिए मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। अभी तो फिलहाल मैं रिस्क को ही फोकस करूंगी कि उससे पहले मैं ठीक करने हैं कि एशियन गेम्स को मेडल लेना है मुझे कि वो जरूरी है मेरे लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि लेकिन आप जैसे रियो से आई थी तो आप रो रही थी, आपके लिए ओलंपिक मेडल अल्टीमेट चीज था, पेरिस जी उसी तरह से एक अल्टीमेट मेडल होगा। बिल्कुल, मैं पूरा कोशिश करूंगी और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। कोई मेरी हाँ गलती सबका होते हैं, कोई कुछ बता नहीं सकती। तो मेरे अंदर तो मैं पूरा कोशिश, मेरा पूरा मेहनत रहूंगी कि पेरिस में मैं और जो सिल्वर लिया है उसको गोल्ड में बदलने के लिए मैं पूरा तैयारी में रहूंगी, पूरा कॉन्फिडेंस। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप ऐसे ही थैंक अच्छा यू सो करते मच रहिए और चीट डे हम लोग निकाल लेंगे साथ साथ। जी। थैंक यू सो मच।